कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है। संतों की पंचायत ने मामले को शूट आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो मामला थाने पहुंचा। वृंदावन में रहने वाली कथावाचक युवती द्वारा एक संत पर लगाए गए संगीन आरोपों के चर्चित मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को इस मामले के थाने पहुंचने के पहले संतों की एक पंचायत हुई थी, जिसमें इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश की गई थी, पर पीड़ित नहीं मानी और मामले थाना तक पहुंच गया। अब संतों की इस पंचायत का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए और सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ बातचीत हो रही है। महाराज ने मुझसे कहा है कि मैंने अभी इसको फोन लगाया नहीं, आपने कितनी बार मैं सीधे दिखाऊं दोनों पर के दरअसल अपने से आधे से भी कम उम्र की कथावाचक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर पूरे संत समाज को शर्मसार करने के चर्चित मामले में एक के बाद एक नए वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। बुधवार को इस मामले में कुछ और नए वीडियो और ऑडियो वायरल हुए हैं। वायरल हुए इन वीडियो में दत्त अखाड़े में संतों की पंचायत लगी है, जो इस मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। संतों की इस पंचायत में ना केवल पीड़ित महिला है, बल्कि महिला के आरोप झेल रहे महंत रामेश्वर दास जी भी बैठे हैं। वायरल वीडियो में महिला तमाम संतों के सामने महंत रामेश्वर दास को खूब खरी खोटी सुना रही है। वहीं कुछ संत महंत रामेश्वर दास को कह रहे हैं कि जब उन्होंने ही कन्यादान कर पीड़ित की शादी करवाई है, तो अब वे ही क्यों इस बात को फैला रहे हैं। इस पर रामेश्वर दास खुद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों की बात बोल रहे हैं, हम तुम्हारे नहीं कहा कि तुम्हारे साथ में कोई बात हुई है। महाराज इतनी बिगड़ी बिगड़ी बातें करते थे मेरे से। एक बात मैंने कहा था कि कौन सा बड़ा मजा आएगा, कही थी आपने महाराज। मैं तुम्हारे पास काम कहने आया था, वहाँ आपके आश्रम की बता रही है। मैंने ऐसी बात में बहन जी अगर मैं तो ये कहती हूँ कि मैं गलत लड़की थी तो मेरे एक सेकंड खड़ा नहीं होने देते। एक बार मेरे से बात नहीं करते, आप कहते हैं लड़की आप साधु होते तो मेरे पास तुम आए उसके बाद कभी भी शादी होने के बाद आए कोई आप साधु होते मैं तो साधु नहीं हूँ लेकिन आपको मजा आता लड़की से बात करने में मजा आता मजा बहरहाल वायरल हो रहे इन ऑडियो और वीडियो से एक बात तो साफ हो रही है कि जिन संतों पर समाज को सुधारने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है, वे ही कलंक के कीचड़ में गले गले तक डूबे हुए हैं। ऐसे में ऐसे संतों से समाज को सुधारने और नई दिशा देने की उम्मीद करना बेमानी है।
वृंदावन की 27 साल की कथावाचक युवती के साथ महंत द्वारा तंत्र विद्या सिखाने का झांसा देकर किए गए दुराचार और छेड़छाड़ के मामले में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है। इस ऑडियो क्लिप में महंत कथावाचक युवती को शास्त्रों की कहानी सुनाकर झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में कथावाचक युवती से बात कर रहे हैं। महंत युवती को देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्रमा की कथा सुनाकर युवती को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुरु शिष्यों में भी ऐसा ही होता आया है। वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उदाहरण देते हैं। सुनिए वायरल ऑडियो में महंत कैसे कथावाचक युवती का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जीवन समर्पण कर दिया। दिया, उसमें क्या हो गया? तुमने बृहस्पति का सुना? देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। हाँ। हाँ? तुमने सुना कभी बृहस्पति की? तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और राक्षसों के थे शुक्राचार्य। हाँ। तो बृहस्पति जो थे, हाँ, उनकी पत्नी को उनका चेला चंद्रमा था। हाँ, हाँ। वो लेके भग गया। हाँ। और वो भी पीछे पीछे दौड़े कि मेरी औरत दे दो, वो नहीं दे, तो घूमता घामता ना उसने एक बच्चा पैदा कर दिया। हाँ। जिसका नाम बुध हुआ। हाँ। है? हाँ। तब तक वो उसके पास रही और फिर बाद में उसको देवताओं ने कहा तो उन्होंने वापिस करी। तो अपने तो देवता के ये भी गुरु ही ऐसे हुए, तो दूसरे का क्या? उधर गौतम ऋषि की पत्नी को देखो, इंद्र जैसा आदमी उसके साथ दुष्कर्म करने आ गए। हाँ। तो ये तो अपने इसमें शास्त्र अपन कहते उसमें उल्टे सीधे